आज का युग तो भौतिकवाद बढ़ गया है, सबकी सोच में कमाओ खाओ खर्चों वाली एक वो चल रही है विचारधारा। तो डोगरियों के हाल चाल ते मैं तुंदा अपना दोस्त साहिल सेवादार ते अज फिर लई आया तुंदे वास्ते एक नवा ब्लॉग। सबकी चिंता मिटाए बोलो ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, तुस लोग दिखा करते साहिल सेवादार दा ब्लॉग ते चंडी माता दे दर्शन ते तुसें कर लिया, लेकिन फिर वापसी अपने कठुए च है। और मैं तुहानू सनाणा है कि अज शिवानगर शिव मंदिर है जिहड़ा इत्थे सावन महीना चला करता है, ते मां शिव पुराण जिहड़ी अज शुरू हो करदी है। अज इत्थे जिहड़ी है कलश यात्रा जिहड़ी है ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਿਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਲਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਂ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ 11 ਦਿਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨਾ ਚਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਤਸੰਗ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोले शंकर जी के दर्शन तो सा जेड़े ने वो कर ले ना। और तुम्हें मैं सनाणा कि इस कथा च जेड़े है कथावाचक जेड़े है जेड़ा व्यास गद्दी उपर बैठे ने है उन्हें सुर श्री 108 गायत्री देवी जी महाराज जेड़े ने इस कथा च आवा करदे ने। ये कथा मां शिव पुराण दी है और सावन महीना चला करदा है। ते आओ सारे कठुआ शहर वासी ग्राम वासी जिथे तक मेरी वीडियो जा रही है मां शिव पुराण की कथा सुनने वास्ते शिवानगर शिव मंदिर तुस आई सकते हो। अज थमां लेइयै ते 11 तरीक तक जेहड़ी है ये कथा चलनी है। ते आओ इस कथा जी सुनो ते पुण्य दे भागी बनो। ते कलश यात्रा जेहड़ी है हुण ओह निकलनी है, ते कलश यात्रा च तुहानूं जेहड़ा है ओह ले चले। सबकी चिंता मिटाए बोलो ओम नमः शिवाय।
सावन का महीना जड़ा है वह चला करता है और सावन के महीने च सत्संग कीर्तन करना और कथा करना माँ शिवपुराण की किन्ना सुहाग का प्राप्त होता है। साढ़े कन्नै गायत्री देवी जी महाराज ने इंटे गलबात करनी कि जी कथा जी किन्ने दिन चलनी है और अजकल का जो युग है इस युग के सत्संग कीर्तन करना जोड़ा है वह कि शैल रहा है। तो आओ इंटे गलबात करचै। राधे राधे जी, जय शंकर। तो इस तरह की सू कथा जी है अज थवा शुरू हुआ करती है और किन्ने दिन तक चलनी है? ये सप्त दिवसीय श्री महापुराण की कथा का आयोजन यहाँ शिवानगर में किया जा रहा है तो 7 दिन तक कथा का जो है ये क्रम चलेगा। जी जी, आज का जो युग है इस युग में कितना जरूरी है ये सारा कार्यक्रम करने के लिए, अपने सनातन को बढ़ावा देने के लिए? आज का युग तो भौतिकवाद बढ़ गया है, सबकी सोच में कमाओ खाओ खर्चों वाली एक वो चल रही है विचारधारा। तो ऐसे समय में जहाँ सब मटेरियलिज्म चल रहा है, ऐसे समय में भगवान की चर्चाएं भगवान के गुणगान ये मनुष्य को शांति भी देते हैं, दिशा भी देते हैं और मेरे अनुसार जो जिन जड़ों से हम टूट चुके हैं उन जड़ों से जुड़ने का एक मौका भी देते हैं। जी जी, तो मैंने यहाँ पर देखा है कि महिला शक्ति जो है वो ज़्यादा है लेकिन बच्चे युवा यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए संदेश यही है कि जब तक आप अपनी जड़ों से जुड़ेंगे नहीं, जड़ें यानी कि धर्म अध्यात्म, आप जुड़ेंगे नहीं तब तक कुछ भी जीवन में पाएंगे वो स्थिर नहीं होगा, वो स्थायी नहीं होगा। तो जो कुछ भी आप पा रहे हैं, चाहे वो करियर है, चाहे वो आप अपनी सोशल लाइफ में जितनी भी आप तरक्की को अटेन कर रहे हैं, उस तरक्की का आनंद लेने के लिए आपको अपनी जड़ों से जुड़ना ही होगा। तो अभी तो युवा कम है पर मुझे ऐसी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो हमारे बच्चे लोग हैं, युवा भाई बंधु हैं, वो आएंगे, कथा का सुख भोगेंगे। ये कथा जो है इसका समय क्या रहेगा और कठुआ शहर वासियों के लिए क्या संदेश है? 2 से 5 बजे तक हर रोज इस कथा का समय रहेगा। तो मेरी सारे जितने भी कठुआ निवासी हैं उन सब से मेरा ये अनुरोध है कि आइए, श्रावण मास है, श्रावण मास में भगवान शिव के गुणों को गाने का कुछ आनंद ही और है। तो आप सबको हम इस कथा के माध्यम से, इस आपके चैनल के माध्यम से हम न्योता देते हैं कि आइए कथा का सुख लीजिए और श्रावण मास को अपना जो है वो सार्थक कीजिए, देखिए सुनिए समझिए कि भगवान शिव कौन है कैसे है और फिर उनमें विलीन हो जाएंगे। जी, जय शंकर। बोले शंकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे बीच में विशेष रूप से कथावाचक हमारी दीदी सुश्री 108 गायत्री देवी जी, हम इनका धन्यवाद करते हैं और कठुआ में अपने शिवानगर के लोगों की तरफ से स्वागत भी करते हैं कि ये हमेशा ही सनातन धर्म को, परचम को हमेशा बुलंद करने के लिए, समाज को दिशा निर्देश देने के लिए और समाज को सही राह दिखाने के लिए समाज में कार्य कर रहे हैं और अपनी कथाओं के माध्यम से समाज को एकजुट करने का, परिवारों को एकजुट करने का और जो शरारती तत्व जो समाज को खराब करने का कार्य कर रहे हैं उनको दिशा देने का कार्य देवी जी कर रहे हैं। हम उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं और ये पूरे शिवानगर निवासियों की तरफ से हमारे जो बड़ा शिव मंदिर है जो टावर लेन में यहाँ पे मंदिर समिति की तरफ से ये आयोजन करवाया जा रहा है, हम सब शिवानगर निवासी केवल शिवानगर के लोगों से नहीं पूरे समस्त कठुआ के लोगों से निवेदन करते हैं कि कृपा इस सावन माह के पवित्र माह के उपलक्ष्य पर भोलेनाथ जी की कथा, भगवान शिव की जो कथा है उस कथा का अनुसरण करें और शिवानगर में ये आज से शुरू हो रहा है और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक इस कथा का आयोजन रहेगा। हम सब लोगों शिव भक्तों से आग्रह करते हैं कृपा बढ़ चढ़ कर अपने जीवन में भगवान बोले का ये शिव पुराण कथा सुनिए और अपने जीवन को उसको डालिए। सावन महीना चला रहा जी, 5 तरीक शुरू है, 12 तरीक खत्म है जी। और मेरे शिवानगर जितने भी समिति वाले ने कथा करवा देने या मैं ये सूचना देनी पूरे कठुए च ते सारे जितने भी हैं सारे आन और इधर नंद उठान सप्ताह दा मजा ते एंड वाले दिन लंगर दा आयोजन। हां, लंगर भी है, 7 दिन लंगर चलेगा। सात दिन लंगर चलेगा। हां जी, ते कथावाचक कौन है? गायत्री जी।